हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पर्धा ज्ञान। लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री को स्टार्ट किया था, कंप्यूटर हिस्ट्री को, कि कंप्यूटर कैसे इवॉल्व हुआ, किस किस का कंप्यूटर्स को लाने में योगदान रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था अबेकस को, उसके बाद हमने देखा था पास्कलाइन को, फिर हमने देखा था गॉटफ्रिड वॉन लिबनिट्ज़ की मशीन को, उसके बाद हम पहुँचे थे जैकवर्ड लूम तक। आइए अब उसके आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हैं हमारे चार्ल्स बैबेज, इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। सबसे पहली बात तो ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया कि जैकवर्ड लूम्स जो था उसी के प्रिंसिपल को इन्होंने सोचा कि ऐसा बनाया जा सकता है कि उसे बाहर से इनपुट ना दिया जाए, वो ऑटोमेटिकली एक स्टोर्ड प्रोग्राम, मतलब उसको पहले से प्रोग्राम कर दिया जाए कि उसे क्या करना है और वो उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वर्क करे। तो उसे हम कहेंगे कि उन्होंने डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लाया, ठीक है। और यही एक क्षमता है जो कंप्यूटर्स को कैलकुलेटर से अलग करती है। कैलकुलेटर में हम बार बार इनपुट देते रहते हैं हर एक चीज़ के लिए। जैसे अगर हमें दो नंबर को ऐड करना है तो हम पहले टू एंटर करेंगे, फिर हम प्लस एंटर करेंगे, फिर हम टू एंटर करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, फिर हमारे पास फोर आएगा। पर कंप्यूटर में हमें सिर्फ इनपुट देना है, प्लस करने वाला प्रोग्राम ऑलरेडी अंदर है। आप सोचेंगे कि कंप्यूटर का कैलकुलेटर भी तो वही करता है, उसे बार बार ऐसा देना पड़ता है। नहीं, पर जैसे बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं तो वहाँ पे आपको सिर्फ इनपुट देना पड़ता है, वो पूरी प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट जनरेट कर देता है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट की बात हो रही है, ओके। तो डेटा प्रोसेसिंग के लिए स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लाने का श्रेय जो जाता है वो चार्ल्स बैबेज को जाता है। ये स्टोर्ड प्रोग्राम वाली जो क्षमता है वो कंप्यूटर्स को कैलकुलेटर से अलग करती है। आगे देखते हैं, तो ये कह सकते हैं कि वही एक फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट लाया। उन्होंने जो अपना पहला कंप्यूटर के परिप्रेक्ष्य में जो मशीन बनाया था वो था डिफरेंस इंजन, उसे डिफरेंस इंजन कहते थे। उसमें इनपुट करने के लिए लीवर्स हुआ करते थे, एक कतार होती थी, एक सीरीज होती थी लीवर्स की, जिन लीवर्स को पुल करने से इनपुट होता था। और कुछ टाइपराइटर जैसे डिवाइसेस होते थे जो कि आउटपुट जनरेट करते थे। अब देखिए जैकवर्ड लूम में क्या हो रहा था, हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है मेरे वीडियो को तो आप इससे पहले वाले वीडियो को जाकर जैकवर्ड लूम को समझ सकते हैं। जैकवर्ड लूम में हमने देखा था कि पंच कार्ड होते थे जिनमें होल्स हुआ करते थे और वो फिंगर्स जो थी वो इन होल्स से पास होकर फैब्रिक पे प्रिंट जनरेट करती थी, ओके। तो ये सब मैनुअली हो रहा है। ये जो प्रोसेसिंग है, मतलब इनपुट भी किया जा रहा है, प्रोसेस भी किया जा रहा है, और आउटपुट तो हमको फैब्रिक पे मिल रहा है। तो ये तीनों चीज़ मैनुअली हो रही थी। पर यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनपुट दे दिया जा रहा है, ओके। जो कुछ सीरीज ऑफ लीवर्स हैं, कुछ कतारें लगी हुई हैं लीवर्स की, उन लीवर्स के जरिए हमने इनपुट दे दिया है। अब अंदर जो स्टोर्ड प्रोग्राम है, मतलब प्रोग्राम मतलब इंस्ट्रक्शन का सेट, निर्देशों का सेट, कि तुमको इनपुट मिल गया है, अब तुम्हें क्या काम करना है। जैसे इनपुट दे दिया जाता था तो ये डिफरेंस इंजन प्रोसेस करता था, उसमें जो प्रोग्राम स्टोर रहता था उसको उसमें, और फिर उससे जो आउटपुट जनरेट होता था वो एक ऐसे डिवाइस द्वारा मिलता था जो टाइपराइटर की तरह होता था। तो डिफरेंस इंजन में एक तो सीरीज ऑफ लीवर्स होते थे इनपुट के लिए, दूसरा कुछ डिवाइस होते थे आउटपुट के लिए जो कि टाइपराइटर की तरह होते थे, ओके। चलिए आगे देखते हैं। चार्ल्स बैबेज का जो ये डिज़ाइन था ये वहाँ पर आकर रुक गया, क्योंकि मेटलर्जी टेक्नोलॉजी, मतलब कि धातु का ज्ञान उस समय इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। जैसे कि आज देखिए जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनते हैं तो उसमें जो मेटल्स यूज होते हैं उनकी प्रोसेसिंग के लिए आज हमारे पास आधुनिक तकनीकें हैं, इसलिए वो अच्छे से बन जाते हैं। पर उस समय, ये कब की बात हो रही है, ये 1812 के टाइम की बात हो रही है, लगभग 200 साल पहले की बात हो रही है ना। तो ये 200 साल पहले ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि हम लॉन्ग टर्म के लिए किसी ऐसी मशीन को बनाएं। इसलिए वो देखिए लिखा है, इसलिए वो बड़ा मॉडल बनाने में समर्थ नहीं रहे, वो बड़ा मॉडल नहीं बना पाए। फिर उन्होंने क्या किया, उसके बाद वो रुके नहीं। चलो एक लिमिटेशन आ रही है कि मैं बड़ा मॉडल नहीं बना सकता, बट उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अपने प्रोटोटाइप को लेकर वो चलते रहे और उन्होंने रिसर्च जारी रखी। फिर इसके बाद उन्होंने एक नया इंजन बनाया जिसे एनालिटिकल इंजन कहा गया। वो एनालिसिस करके आउटपुट जनरेट करता था, उसमें भी प्रोग्राम स्टोर किए जाते थे और वो स्टोर्ड प्रोग्राम की मदद से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन परफॉर्म करता था, ठीक है। अब देखिए
ये जो स्टोर्ड प्रोग्राम है वो भी पंच कार्ड की सीरीज में लोड किए जाते थे। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है, देखिए JL लिखा है मैंने यहाँ पे, JL मीन्स जैकवर्ड लूम्स। जैकवर्ड लूम्स में जैसे पैटर्न्स के लिए पंच कार्ड में होल्स किए जाते थे ताकि जब फिंगर्स पास हों तो उन होल्स के अकॉर्डिंग फैब्रिक पे प्रिंटिंग हो, वैसा आउटपुट हमको मिले, वैसे ही यहाँ पे पंच कार्ड में कुछ प्रोग्राम्स को लोड किया जाता था जिसके जरिए प्रोसेसिंग होती थी और आउटपुट मिलता था। फ्रेंड्स, इन्होंने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था उसमें क्या क्या पार्ट्स थे, देखिए उसके इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स कुछ इस तरह हैं कि सबसे पहले तो एक इनपुट डिवाइस था ताकि हम कुछ इनपुट कर सकें, और उस इनपुट का रिजल्ट पाने के लिए हमें आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत थी, तो एक आउटपुट डिवाइस होता था। एक अरिथमेटिक यूनिट थी जो कैलकुलेशन परफॉर्म करती थी, जो कंप्यूटेशन करती थी, और मेमोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने लाया जो इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करती थी। इंटरमीडिएट रिजल्ट को भी मैंने अपने पिछले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ये चार चीज़ें एनालिटिकल इंजन में होती थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मॉडर्न कंप्यूटर्स को देखें, जो आज के कंप्यूटर्स हैं उनको, और इस एनालिटिकल इंजन की जो डिज़ाइन है उसको, उसमें जो कंपोनेंट्स हैं उसको देखें, तो ये लगभग सेम ही हैं। इसलिए चार्ल्स बैबेज के इस इंजन को ही आधार माना जाता है आज के कंप्यूटर्स का, क्योंकि देखिए इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, अरिथमेटिक यूनिट, ये आप CPU मान सकते हैं इसको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि क्या कर रही है, प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट कर रही है, और उस आउटपुट को कहीं सेव होना भी ज़रूरी है ना, हवा में तो रहेगा नहीं, तो उसके लिए मेमोरी का कॉन्सेप्ट, फिर ये सारा कॉन्सेप्ट आज भी हम यूज़ करते हैं, वही सब चला आ रहा है, बस एडवांसमेंट हो गया है। इसलिए मॉडर्न कंप्यूटर्स पूरी तरह से आधारित हैं इस इंजन पर, इसलिए चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब क्या हुआ कि चार्ल्स बैबेज यहाँ तक तो पहुँच गए पर इसे लॉन्ग टर्म वर्किंग मॉडल बनाने में सक्सेसफुल नहीं आ पाए। लिमिटेशन वही थी कि उनके पास वैसी सुविधाएं नहीं थी, वैसा डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं थी कि मेटल्स पर काम किया जा सके जो कि लंबे समय तक काम आए और रिसर्च आगे बढ़े, तो यहाँ पर वो रुक गए। फिर उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे ने 1871 में एनालिटिकल इंजन का एक वर्किंग मॉडल बनाया जो बस वहीं तक रह गया, इसके बाद उस पर कोई वर्क नहीं हुआ। अगर चार्ल्स बैबेज की ये रिसर्च उसी समय कंटिन्यू कर ली जाती तो कहा जाता है कि दुनिया को कंप्यूटर्स बहुत पहले मिल गए होते। तो ये थे चार्ल्स बैबेज, और हमने ये डिस्कस किया कि उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर क्यों कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे हर वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।